अलायंस वेव, यहाँ पे अलायंस की हवा बनी हुई है और यहाँ पे लोग जो ये 400 पार ये सब जुमलाबाजी से थक चुके हैं। बीजेपी जो सरकार है वो हमारे किसान भाई बहनों के खिलाफ है, स्टूडेंट्स के खिलाफ है, जर्नलिस्ट पत्रकारों के खिलाफ है। इस वक्त हमारे साथ है लोकसभा की प्रार्थी दक्षिण कलकत्ता की सायरा सहालीम सिपिया। मैम, ये जो लड़ाई है इस वक्त जो है माला रॉय जो कि कठिन प्रतिपक्ष है इस वक्त आपके साथ और साथ में बीजेपी की देवश्री चौधरी जो कि MOS थे, इस वक्त कौन सी मतलब किसको लग रहा है कि कठिन है, बीजेपी और TMC? दोनों ही। मैंने तो बहुत अच्छे से बीजेपी को हराया था बालीगंज में एंड इस बार भी दोनों दल हारेंगे बिकॉज यहाँ पे जो है लोग परिवर्तन देखना चाह रहे हैं और यहाँ पे एक हार्ड वर्किंग कैंडिडेट जो वोकल हैं उनको देखना चाह रहे हैं। मुद्दा क्या रहेगा इस बार? CAA परिवेश का मुद्दा है, एनवायरनमेंट का मुद्दा है, यहाँ पे जॉब्स का मुद्दा है। आप देख लीजिए यहाँ पे लोगों की जॉब्स नहीं है, पीपल आर लीविंग द कंट्री बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जॉब, पीपल आर लीविंग द सिटी। सो वी वॉन्ट टू कॉल एवरीवन बैक एंड कॉल IT इंडस्ट्रीज, क्रिएट जॉब्स एंड रैम्प अप दी एजुकेशन फैसिलिटीज। आपने तो जाने के 8,000 स्कूल बंद हो, यहाँ पे 8,000 स्कूल बंद उनको खोलना होगा। और तृणमूल कांग्रेस का भ्रष्टाचार की वजह से 26,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब, 26,000 लोग यहाँ पे अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। तो ये सब मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। तो वी वॉन्ट अ करप्ट फ्री, कम्युनल फ्री गवर्नमेंट दैट कैन वर्क फॉर एवरीथिंग। भ्रष्टाचार है लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी महिलाओं को जैसे बहुत सारी भाता दिया जा रहा है, बहुत सारी स्कीम्स को रिलेट किया जा रहा है, तो ये सब कह रहे हैं अच्छी बात है, हम लोग तो ज़्यादा देंगे। हम तो ये बोल रहे हैं हम लोग की सरकार बन लेंगे, हम लोग ज़्यादा देंगे। कोई यहाँ से ये स्कीम को हटा नहीं रहा, बल्कि हम लोग की सरकार मिलेगी बनेगी, हम लोग ज़्यादा देंगे। राहुल गांधी जी का आप देख लीजिए किसी भी कांग्रेस प्रवक्ता से, वो 8,500 पर मंथ देने का उन लोगों का वायदा है और हम लोग की भी सरकार बनेगी, हम लोग ज़्यादा देंगे बल्कि। और इस वक्त जो है कि अलायंस को लेके कितना ये मानते हैं कि अलायंस, क्योंकि ममता बनर्जी अलायंस वेव, यहाँ पे अलायंस की हवा बनी हुई है और यहाँ पे लोग जो ये 400 पार ये सब जुमलाबाजी से थक चुके हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि इंडिया अलायंस सरकार फैसिस्ट लोग के साथ जो लड़ सके, क्योंकि ये बीजेपी जो सरकार है वो हमारे किसान भाई बहनों के खिलाफ है, स्टूडेंट्स के खिलाफ है, जर्नलिस्ट पत्रकारों के खिलाफ है। इट्स अगेंस्ट यूथ एंड इट्स अगेंस्ट वुमेन ऑफ द कंट्री। आखिरी सवाल है कि इस वक्त सबको क्या कहना है, क्या वार्ता देना चाहिए? ये देना है कि यहाँ पे कोलकाता दक्षिण में आप लोग मुझे ही समर्थन कीजिए क्योंकि मैं बहुत वोकल और हार्ड वर्किंग हूँ और आप लोगों के वायदे ज़रूर पूरा करूँगी और हर एक के साथ काम करूँगी, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, जो इतना सफ़र हो रहा है यहाँ पर भ्रष्टाचार की वजह से। आपको तो पता है एजुकेशन मिनिस्टर खुद जेल में है, तो ये देखिए किस तरह का एग्जाम्पल जाता है जब एजुकेशन सिस्टम इतने बड़े घोटाले में पकड़े गए हैं। सो वी नीड टू इराडिकेट दिस ब्लेटेंट करप्शन एंड कम्युनलिज्म एंड मेक इट अ वेरी वेरी फ्री एंड एजुकेटिव इवॉल्व सोसाइटी फॉर एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।